गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। एंड जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सेशन हम फोकस करने वाले डाउन टू अर्थ वेबसाइट के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, डाउन टू अर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन एज वेल एज इसका वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है साइंस एंड एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ के लिए। एंड दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड एवरी 2 वीक्स, दैट मीन्स फोर्टनाइटली मैगजीन है। एक महीने में 2 इश्यूज आते हैं इसके। एंड साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सोर्स नहीं है फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लेकिन साथ में ही फॉर अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स भी ये उतना ही फ्रूटफुल है इसको फॉलो करना। एंड दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी 10 to 20 August ऑफ दिस न्यूज ऑफ 10 to 20 August फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ डाउन टू अर्थ मैगजीन। ये देखिए 10 से 20 अगस्त 2021 हम देखने वाले। एंड एज ऑल ऑफ यू नो, ये सीरीज में हम एवरी 10 डेज का न्यूज कवर कर रहे हैं डाउन टू अर्थ का। तो 1st to 10th of August इज ऑलरेडी कवर्ड। दिस इज 10 to 20 of August। वी आर गोइंग टू सी कमिंग जो सेशन है कल आएगा 21 to 31st of August हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्रोसीड कर लें आगे, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड लेट मी टेल यू, आई एम ऑल्सो अन अकेडमी एजुकेटर टेकिंग अप YouTube क्लासेज अप ऑन अन अकेडमी लेट्स क्रैक UPSC CSE चैनल। आई टेक अप डेली करंट अफेयर सेशन एंड आई ऑल्सो टेक अप अन अकेडमी स्पेशल क्लासेज एंड प्लस कोर्सेज अप ऑन द अन अकेडमी ऐप। तो अन अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए यूजिंग अनुराग एज द रेफरल कोड आउट देयर। चलिए प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट है इस 10 डेज का जो ड्यूरेशन था डाउन टू अर्थ से। द फर्स्ट थिंग कमिंग अप, डेजर्टिफिकेशन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। डेजर्टिफिकेशन इसका मतलब है बंजर होना जमीन का। इन शॉर्ट द लैंड इज ऑफ नो यूज बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स। वन फैक्टर इज सॉयल एरोशन। ये देखिए सॉयल एरोशन अगर एक्सेसिव हो जाए तो किसी काम की जमीन नहीं रहती है। ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट, सॉयल एरोशन कैन बी ऑफ वाटर एज वेल एज विंड एरोशन। दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज। इसके अलावा इफ देर इज इंक्रीजिंग सैलिनिटी इन द सॉयल, यस कुछ केमिकल्स का एडिशन एंड सैलिनिटी इज द रिजल्टेड, या इंक्रीजिंग एसिडिटी इन द सॉयल, यस एसिड नेचर ऑफ द सॉयल। दीज ऑल्सो दिस केमिकल रिएक्शंस मेक द सॉयल इनफर्टाइल। इन शॉर्ट द सॉयल द लैंड इज इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग द इकोसिस्टम सर्विसेज। इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, और तभी इसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डेजर्टिफिकेशन। इनफैक्ट इन दोनों में क्या फर्क है देखिए, बिसाइड्स लैंड डिग्रेडेशन डेजर्टिफिकेशन हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। लैंड डिग्रेडेशन विद इन द ड्राई लैंड रीजन्स, दैट इज एरिड जो सूखा ग्रसित क्षेत्र है, द सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स इज टर्म्ड एज डेजर्टिफिकेशन, यस। एंड लेट मी टेल यू, डेजर्टिफिकेशन एक ग्लोबल मिनेस, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका इफेक्ट हुआ इससे, बट इंडिया में भी इसके मैक्सिमम इम्पैक्ट्स आए हैं वेस्टर्न इंडिया में प्लस पेनिनसुलर इंडिया में। एंड क्वाइट रिसेंटली डेजर्टिफिकेशन नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत तेजी से राइज कर रहा है डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। तो क्या इसके लिए कोई कन्वेंशन है? यस, ग्लोबल कन्वेंशन है एक जो रियो समिट में साइन किया गया था। रियो समिट, इट वॉज पुट अप फॉर डिस्कशन इन 1992। इसे अर्थ समिट भी कहते हैं। एंड दिस कन्वेंशन नेम इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये देखिए 1994 में इंडिया ने साइन किया था, 1992 में इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द रियो समिट। एंड इसका एम यही है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी रीच करना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी? इट मीन्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ क्वालिटी लैंड which is able to support ecosystem services, it should go up with every year. उससे ज़्यादा means जितना भी quantity है पूरे world में degraded land का, उससे ज़्यादा ये ना बढ़े। हम लोग ऐसे time में पहुँच जाए जिसमें neutral हो जाए land degradation. It's the same as carbon neutrality. So India में क्या इसका summit हुआ था? Yes, UNCCD का United Nations Convention to Combat Desertification का summit September 2019 it was held in India in New Delhi,
एंड इंडिया प्रॉमिस दैट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज होगा, डेजर्टिफिकेशन रोका जाएगा, बट स्टिल इट्स राइजिंग एट प्रेजेंट. दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. और सबसे बड़ी वजह क्या, वॉट इज द रीजन बिहाइंड लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया? इट्स लॉस ऑफ सॉयल कवर, एज यू कैन सी, मेनली ड्यू टू रेनफॉल एंड सर्फेस रन ऑफ. तो ये देखिए 11% ऑफ डेजर्टिफिकेशन इंडिया में इसी की वजह से, सॉयल एरोजन, ऑल बिकॉज ऑफ डीफॉरेस्टेशन. जब अगर फॉरेस्ट रिमूव किए जाएंगे तो स्टूडेंट्स ऐसा ही हाल होगा. दिस इज द कंडीशन एंड यू कैन सी द कंप्लीट. दिस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये एटलस निकाला गया है जिसमें डिग्रेडेशन बढ़ गया है, ये दिख रहा है. सम 30% ऑफ इंडियाज लैंड इज डिग्रेडेड. दिस कैन कम इन प्रीलिम्स एज वेल. सो दिस इज इट अबाउट ये प्रीलिम्स के लिए रेडी कर लीजिएगा. UNCCD क्या है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी क्या है. 29.7% ऑफ इंडियाज लैंड इज डिग्रेडेड एंड द मोस्ट कॉमन रीजन इज सॉयल कवर का लॉस. ये देखिए सेकेंड न्यूज जो इसमें पब्लिश हुआ था, नासाज न्यू टूल मेक्स इट पॉसिबल टू सी फ्यूचर सी लेवल राइज. अभी जस्ट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया है. असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफ IPCC आर डिटेल्ड रिपोर्ट्स, लेट मी टेल यू. और ये IPCC है क्या स्टूडेंट्स? इट्स अ रिसर्च बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. रिसर्च ओवर व्हाट? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. उसका ये रिसर्च करके डेटा पब्लिश करता है एंड उसी डेटा पे द पॉलिसी मींस पॉलिसी एडवाइजरीज आर इश्यू टू द कंट्रीज. यस, असेसमेंट रिपोर्ट्स गिव अ इनसाइट इन टू फ्यूचर में क्या होने वाला है. एंड एज वन कैन सी ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है एंड फ्यूचर सी लेवल राइज बहुत तेजी से आने वाला है बाई 2050. एंड दिस इज वाई द IPCC हैज टोल्ड दैट वी मस्ट अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी एज सून एज पॉसिबल. और इस जगह पे ये नासा का नया टूल, दिस नासा सी लेवल पोर्टल है एक, ये नया टूल इट हेल्प्स टू जस्ट सी दैट फ्यूचर में ओशन एंड कोस्ट लाइन्स कहाँ कहाँ सी लेवल राइज करेगा. इट्स वेरी इजी टू नेविगेट ऑल्सो. सो दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. यस, द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस आउट हियर, प्रेडिक्शंस इन टू द फ्यूचर अबाउट सी लेवल राइज. सो दैट्स इट, यहाँ से बस इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है. ये वैल्यू एडिशन में आप ये इन्फॉर्मेशन एडअप कर सकते हैं अगर कुछ आता है AI के ऊपर, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर, बिकॉज दिस इज कमिंग इन UPSC इन द मेन्स एवरी ईयर. थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एंड सोशोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी. क्रॉस कॉन्टिनेंट सोशल नेटवर्किंग मे हैव एग्जिस्टेड 4 लाख ईयर्स अगो, फायर यूज पैटर्न सजेस्ट. तो एज ऑल ऑफ अस नो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन अक्रॉस ज्योग्राफीज जो अभी चल रहा है, इट हैज फ्यूल्ड अप द मोस्ट रिसेंट रेवोल्यूशन. यस, इन फैक्ट आज का जो समय है कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का ही समय है. एंड विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स वी कैन ईजली टॉक, इंटरैक्ट विद पीपल अक्रॉस द ग्लोब. इनफैक्ट इतना नज़दीक हम कभी नहीं थे इस पूरे पृथ्वी पर, एक दूसरे के करीब इतने आ गए बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया. एंड वन कैन ऑल्सो ईजिली पुट वंस थॉट प्रोसेस और वंस कमेंट्स अपन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इश्यू. यस, तो ये कम्युनिकेशन क्या अभी का ही कंसेप्ट, ये पहले भी कंसेप्ट था, यही इसी पे ये न्यूज आया है. द आर्कियोलॉजिकल साइंस ऑफ फायर यूज अमंगस्ट होमिनिन्स अपियर एज अर्ली एज 4 लाख ईयर्स अगो एंड इट स्प्रेड टू मेजर पार्ट्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, इन अफ्रीका एज वेल एज इन वेस्टर्न यूरेशिया एंड इन डिफरेंट सब पॉपुलेशन. एंड साथ में द कल्चरल, दिस कल्चरल डिस्पर्शन, कल्चरल डिस्पर्शन ओवर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इंडिकेट्स दैट देयर वर लार्ज स्केल सोशल नेटवर्क्स इन प्लेस इवन इन दैट एरा. साइंटिस्ट हैव इन्फर्ड दैट कल्चरल डिस्पर्शन हुआ है एंड इसका मतलब था उस समय सोशल नेटवर्क थे, एग्जिस्टेड करते थे उस समय इन द वर्ल्ड. सो द कल्चरल बिहेवियर ऑफ द हुमेनिन्स एट दैट टाइम इज मोर सिमिलर टू द एग्जिबिटेड बाई मॉडर्न ह्यूमन्स दैन इट्स ग्रेट एप रिलेटिव्स. A similar phenomenon also occurred 1,000 years later, backs the cultural dispersion theory. The hominins of the old world followed the same and a rather complex method, the complex method to carve stone tools known as levalloise technique, very, very important.
तो ये शो कर रहा है कि ये टेक्निक हो या फायर का यूज हो, स्प्रेड किया था, इसका मतलब है कुछ ना कुछ सोशल कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग के कुछ ना कुछ कंसेप्ट था उस समय। तो एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स प्लीज पुट इट इन द दिस वैल्यू एडिशन इन द पेपर एंड इवन इन कल्चरल डिस्पर्शन थ्योरी द सोशोलॉजी स्टूडेंट्स ऑल्सो इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। नेक्स्ट, तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को, यही सबसे बड़ा न्यूज अगस्त का। और तालिबान के टेक ओवर करने के बाद अफगानिस्तान में जो लैंड माइंस हैं उनका क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, इसी की बात चल रही है। लैंड माइंस क्या होते हैं? लैंड माइंस आर इनफैक्ट यू कैन सी इट हियर, एक्सप्लोसिव रेमिनेंट्स ऑफ वॉर एंड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, आईईडीज हैं, बॉम्ब्स हैं। एंड अफगानिस्तान हैज वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ लैंड माइंस, यस 2 per square kilometer, हर स्क्वायर किलोमीटर में 2 landmines हैं। एंड इट causes ह्यूज कैजुअलिटीज, डेथ ऑफ चिल्ड्रेन, डेथ ऑफ सिविलियंस। ये लैंड माइन्स आए कहाँ से हैं? इट हैज कम, दिस इज द रेमिनेंट ऑफ कोल्ड वॉर एरा, लेट 70s, अर्ली 80s, 90s का समय ये देखिए। एंड लैंड माइन्स की अगर बात की जाए, इजिप्ट में सबसे ज्यादा लैंड माइन्स है पूरे वर्ल्ड में। अफगानिस्तान हैज ऑल्सो वन ऑफ द हाइएस्ट लैंड माइन्स, मैक्सिमम लैंड माइन्स आर इन अफ्रीका एंड इन वेस्ट एशिया। ये देखिए, जहां भी टर्मोइल है, जहां भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां लैंड माइन्स पाए जाते हैं। एंड दिस यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन इसको देख रहा है, लैंड माइन्स को कैसे हटाया जाए। इट कोऑर्डिनेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड लिमिट्स द थ्रेट पोज्ड बाय लैंड माइन्स। एंड क्या लैंड माइन्स के ऊपर क्या कोई ट्रीटी साइन की गई थी? यस, ओटावा ट्रीटी, ये देखिए 1997। सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर इन 1997 टू फॉर्मुलेट द ओटावा ट्रीटी। इट इज फॉर्मरली नोन एज द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइन्स एंड ऑन द डिस्ट्रक्शन। तो प्रोहिबिटेड है यूज, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइन्स। It bans stockpiling, transfer and use of landmines and requires the countries to clear it on their territory. And this became effective in 1997 only, I suppose. Ye dekhiye, 1999, okay. And there are total of 164 countries to the treaty. Lekin major countries ne sign nahi kiya, including US, China, Russia, in South Asia, India and Pakistan have also not signed the treaty. लैंडमाइंस, ओटावा ट्रीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स। नेक्स्ट, ये देखिए, सी कोरल्स एंड एनिमोन्स में फॉर द फर्स्ट टाइम इम्यून सेल्स हैव बीन आइसोलेटेड। तो एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल सेल पॉपुलेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स फाइट इन्फेक्शंस। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन इम्यूनिटी बिल्डअप इन साइड द बॉडी एंड स्पेशलाइज इम्यून सेल्स एग्जिस्ट करने का मतलब होता है इस पर रिसर्च हो सकता है, सी कोरल्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एनिमोन्स पे। Why is it important to understand the complex procedure of immunity? And immunity ke upar itna zyada bhi research chal raha hai, because of the rise of COVID-19. Yes, COVID-19 ke rise ne immunity ke upar study bahut focus kara diya. So how do these organisms keep themselves protected from virus and bacteria in the marine ecosystem? Yahi samajhne ke liye is pe research chal raha hai. नेक्स्ट, ये देखिए, ड्रॉट बेल्ट, पोस्ट ड्रॉट स्टेज रीच कर गए क्या? पांथानाल बेल्ट एंड रिवर कोलोराडो रीजन, यस। तो पांथानाल कहाँ पे? वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, साउथ सेंट्रल ब्राजील में लोकेटेड, एंड 50 ईयर्स का वर्स्ट ड्रॉट फेस कर रहा है वो। सो वेयर इज इट लोकेटेड? दिस आउट है, बोलीविया, पैरागुए एंड ब्राजील, दिस इज इट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, पेरेनियल प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द इकोसिस्टम। एंड वेटलैंड का मतलब ये भी होता है दैट यहाँ पे एनरोबिक सिस्टम्स आर एट वर्क, एनरोबिक रिएक्शंस, ये देखिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेटलैंड का ये भी मतलब होता है वेरी डाइवर्स इकोसिस्टम, डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन, ये देखिए। एंड पांथानाल वेटलैंड, ये ड्रॉट फेस कर रहा है वर्स्ट ड्रॉट 50 ईयर्स का। इतना ही नहीं, दिस होल बेसिन, अमेजन बेसिन, हैज बीन एट द फोकस पॉइंट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, यस, फॉरेस्ट फायर्स। ये पूरा बेसिन 3 साल से बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स लगे हैं इस जगह पे।
ये भी एक वजह हो सकता है, बट नेवर्थलेस जो बड़ा पॉइंट है यहाँ पे वो ये है दैट पांतनार इज फेसिंग द वर्स्ट ड्रॉट इन 50 ईयर्स. ये तीन कंट्रीज अब प्रेजेंट है, ब्राजील, बोलिविया एंड पैरागुए, इतना याद कीजिएगा. एंड फ्रॉम हेयर द रिवर पराना पासेस थ्रू, रिवर पराना पैरागुए रिवर सिस्टम से देखिए. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड वेटलैंड है ये, ब्राजील और बोलिविया पैरागुए में प्रेजेंट है. सेकेंड प्लेस जो ऐसा ही कुछ कंडीशन फेस कर रहा है दैट इज रिवर कोलोराडो बेसिन इन नॉर्थ अमेरिका. ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, ये रिवर कोलोराडो बिगिंस इन वायोमिंग, वायोमिंग स्टेट, एंड इट्स बेसिन आल्सो कवर्स द स्टेट्स ऑफ कोलोराडो, एरिजोना, कैलिफोर्निया, उटा, नेवाडा एंड न्यू मैक्सिको, एंड इट फॉल्स इन द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया. ये देखिए रिवर कोलोराडो, इसको यहां देखते हैं, देखिए वायोमिंग स्टेट, ये देखिए यहां से सीट हियर, और इसके ऊपर कुछ डैम्स बनाए गए. बहुत फेमस डैम है बोल्डर डैम और हूवर डैम, द सेम डैम इज नोन बाई टू नेम्स, बोल्डर एंड हूवर. एंड इसी के डैम के बैक वाटर्स में लेक मीड क्रिएट हुआ. लेक मीड इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑन रिवर कोलोराडो, इट वॉज अ वेटलैंड रीजन एंड इट हैज इट इज ड्राइंग अप. यस, ड्राई अप कर रहा, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. इसी रिवर कोलोराडो के ऊपर ये लेक पॉवेल करके सेकेंड बिगेस्ट रिजर्वायर है, लेक पॉवेल, एंड दैट इज ऑल्सो ड्राइंग अप. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, रिवर कोलोराडो इज वेरी फेमस बिकॉज इसके एरोजन पावर के कारण इट हैज क्रिएटेड अ बिग बिग एरोडेड डिप्रेशन नोन एज ग्रैंड कैनियन ऑन रिवर कोलोराडो. आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इट, ग्रैंड कैनियन. अगर सुना है आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछन कीजिएगा. तो इस जगह पे देखिए, हूवर डैम वॉज बिल्ट ओवर द कोलोराडो रिवर ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930 एंड फॉर्म्स इट्स लार्जेस्ट रिजर्वायर लेक मीड. ये देखिए द अदर बिग रिजर्वायर इज लेक पॉवेल, एंड दोनों जगह पे वाटर लेवल्स डिप कर गए एक्सट्रीमली लो. ये देखिए इट्स वाटर स्टार्व्ड बेसिन. ये देखिए, तो दिस हैज ब्रॉट द फोकस बैक दैट वेदर दीज रीजन्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. एंड लेट मी टेल यू, कैलिफोर्निया यहाँ पे, कैलिफोर्निया इज फेसिंग फॉरेस्ट फायर्स इन द करेंट ईयर. यस, वाइल्ड फायर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे लगे हुए हैं. तो दिस इज इट, रिवर कोलोराडो कहाँ से शुरू होती है, वायोमिंग स्टेट, इट फॉल्स इन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, यू कैन सी इट हियर. और एक नया रिपोर्ट बाय वर्ल्ड मिटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्लैग्स इंटेंसिफाइंग क्लाइमेट क्राइसिस इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, यू कैन सी इट हियर. लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन में इंटेंसिफाइंग क्लाइमेट क्राइसिस, दिस सिग्निफाइज दैट यस, हीट वेव्स, ड्रॉट्स, फॉरेस्ट फायर्स, साइक्लोन्स एंड फूड इनसिक्योरिटी इज गोइंग टू राइज इन द रीजन. अभी साइक्लोन इदा, इट कॉज्ड, इट रीक्ड हैवॉक अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका. ऑल्सो फॉरेस्ट फायर्स इन अमेजॉन एंड कैलिफोर्निया एंड ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स एंड हीट डोम इम्पैक्ट इन वैंक्यूवर वेन टेम्परेचर शॉट अप टू 47 डिग्री सेल्सियस, इट वॉज ह्यूज. वैंक्यूवर जैसे कोल्ड एरिया में 47 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंचना अपने आप में एक प्रॉब्लम की निशानी है. सो वर्ल्ड मिटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये रिपोर्ट सिग्निफाई कर रहा है दैट कंसर्न्स आर राइजिंग इन अमेरिका एंड कैरिबियन बेल्ट, यू कैन सी इट हियर. सीवियर हीट वेव्स डोमिनेटेड द कंट्री थ्रू आउट थ्रू मोस्ट ऑफ द ईयर विद टेम्परेचर सोरिंग अबव 40 डिग्री सेल्सियस सेवरल डेज इन अ रो, यू कैन सी इट हियर. देन देर वॉज द ड्रॉट एंड अनयूजुअल फायर सीजन इन द पांतनाल रीजन ऑफ ब्राजील, पैरागुए एंड बोलिविया, रिजल्टेड इन द वर्स्ट ड्रॉट इन द लास्ट 50 ईयर्स, यू कैन सी इट हियर. तो यहां से यू कैन पुट इन वैल्यू एडिशन एंड हीट डोम एंड वही पांतनाल एंड रिवर कोलोराडो रेडी कर लीजिएगा. नेक्स्ट, ब्लीडिंग ब्लू फास्ट फैशन इज नाउ पॉइजनिंग अफ्रीकन रिवर्स, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, टेक्सटाइल फैक्ट्री से एफ्लुएंट्स, ये देखिए अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स एंड कलर्स एंड डाइज आर फॉलिंग टू रिवर्स एंड ये ब्लू और इंडिगो कलर, इट्स किलिंग द अफ्रीकन रिवर्स, येट्स इट्स किलिंग द नेचुरल बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रिवर. ये देखिए, सो विच कंट्रीज, कौन से कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, इट्स तंजानिया, एथियोपिया, लेसोथो एंड मडागास्कर. देखिए एथियोपिया में बहुत ज्यादा
वहीं सबसे बड़ी बात है रिवर ब्लू नाइल का ओरिजिन पॉइंट है। रिवर ब्लू नाइल राइजेस फ्रॉम एथियोपिया, लेक तना से राइज करती है, देख लीजिएगा। एंड दिस सिग्निफाइज दैट यस वाटर वाटर पॉल्यूशन इज अकरिंग, टेक इट एज अ वैल्यू एडिशन। वाटर पॉल्यूशन पे कुछ भी आएगा ऐड कीजिए यहां से। एग्जाम्पल टेक्सटाइल फैक्ट्री का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, आइवरी कोस्ट अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री डिक्लेयर्स फर्स्ट इबोला आउटब्रेक इन 26 ईयर्स, थर्ड अफ्रीकन कंट्री टू डू सो इन 2021। ग्रेट कंसर्न दैट आउटब्रेक डिक्लेयर्ड इन कैपिटल सिटी अबिडजान, अ मेट्रोपोलिस ऑफ मोर देन 4 मिलियन पीपल, डब्ल्यूएचओ ने कहा 40 लाख लोगों से ऊपर है यहाँ पे। आइवरी कोस्ट यू कैन सी इट हियर, वेस्ट अफ्रीका यहाँ पे, एंड इसको कोट डी आइवरी भी कहते थे प्रीवियसली। एक तरफ से घाना, एक तरफ से लाइबेरिया एंड गिनी। लाइबेरिया एंड गिनी वर द कंट्रीज जहाँ इबोला आउटब्रेक हैड हैपन इन 2015। यस, ये देखिए किलिंग मैनी पीपल। एंड नॉर्थ से माली, ये देखिए माली कंट्री एंड बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट। तो ये साहेल बेल्ट में भी लाई करता है यहाँ पे, एंड दिस होल रीजन लाइबेरिया, गिनी, गिनी बिसाओ। दिस वॉज इन न्यूज इन 2015 एज वेल बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ इबोला। तो वापस यहाँ इबोला का आउटब्रेक हुआ है। द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ आइवरी कोस्ट कन्फर्म्ड कंट्रीज फर्स्ट केस ऑफ इबोला सिंस 1994 according to WHO, and the 2021 outbreak was Guinea's. इसके अलावा दूसरे countries ने भी declare किया, Guinea ने भी declare किया है 2021 में, and this Ebola is means creating or wreaking havoc in this region. The WHO had alerted 6 countries neighboring Guinea, Ivory Coast, Senegal, Guinea-Bissau, Mali, Sierra Leone and Liberia to ramp up testing and healthcare facilities to prepare for a possible outbreak. गिनी के बाद अब ये आइवरी कोस्ट में स्प्रेड कर गए। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यस, अलग से उसने डिक्लेयर किया था आउटब्रेक दिस ईयर। ये 2014-16 में ये ऑलरेडी 2014-16 के समय में ये ऑलरेडी ये रीजन इबोला फेस कर चुका है। वापस यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। It's a deadly disease, students, with a very high fatality rate, and it spreads by contact and through the fluids, yes, skin also, touch. So, Ivory Coast ka location dekh lijiyega acche se. And next, ye dekhiye bio remediation ka example. Bacteria in the Canadian Arctic seawater can help clear up oil spills. Oil spills are a growing problem. Abhi Sri Lanka mein ek oil spill hua tha, जहाँ सिंगापुर एक शिप के कारण ऑयल स्पिल हुआ था। इसके पहले मॉरिशस में ऑयल स्पिल, लास्ट ईयर इट वाज रशिया में ऑयल स्पिल, रिवर अंबर नया पर, ये देखिए रिवर अंबर नया, सुना होगा आपने। मैसिव ऑयल स्पिल्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन हैपनिंग इन द रीसेंट टाइम्स, एंड ऑयल स्पिल्स के कारण वहाँ का पूरा इकोसिस्टम, ओशनिक इकोसिस्टम गेट्स डिस्ट्रॉयड, द कोरल्स ऑल्सो डाई। जैसे कि 2010 में हुआ था, 2010 इन गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको द वेरी फेमस ब्रिटिश पेट्रोलियम का डीप होराइजन वाटर स्पिल, बहुत फेमस इंसिडेंट है डीप होराइजन ऑयल स्पिल। ये देखिए, तो क्या एक नया तरीका निकाल लिया गया? यस, इट्स बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन हैज बीन इन यूज। बायो रेमेडिएशन इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स टू क्लीन अप कंटामिनेटेड सॉयल एंड ग्राउंड वाटर, एज यू कैन सी, सच एज बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके और ब्रेक किया जाता है पॉल्यूटेंट्स को, और यही बैक्टीरियाज जो ऑयल को ब्रेक करेंगे, ऑयल क्लीनअप करेंगे, उनको खोज निकाला गया। सो द साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट बायो रेमेडिएशन यूजिंग बैक्टीरिया सच एज साइक्लोक्लास्टिकस ओलिस्पेरा एंड पैरापर ल्यूसिडी बेका एंड थैलासोलिटस। ये देखिए तो ये नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बस यस, आर्कटिक में, आर्कटिक ओशन में पाए गए ये बैक्टीरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे कैन रिमूव सेवरल क्लासेस ऑफ कंटामिनेंट्स इंक्लूडिंग ऑयल। सो दिस कैन कम इन प्रिलिम्स आल्सो, बायो रेमेडिएशन फॉर ऑयल, एंड इन मेंस आल्सो यू कैन एड अप इन एनी क्वेश्चन कमिंग ओवर माइक्रोब्स एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, डोंट फॉरगेट टू एड इट। अगला न्यूज देखिए, फेट ऑफ अफगानिस्तान कैरेज सिस्टम अनसर्टेन एंड साउथ इंडिया सुरंगम थ्राइविंग। सुरंगम मीन्स सुरंग, द टनल,
क्या ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे? यस. कैरेज एंड कनात सिस्टम. कैरेज इज इन अफगानिस्तान, कनात सिस्टम इज इन ईरान. पर्शिया का सिस्टम है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टनल टाइप का क्रिएट किया गया है जहां से वाटर ड्रिप आउट करता है. सो इट्स अ टाइप ऑफ नेचुरल स्प्रिंग लाइक वाटर कमिंग आउट. एंड द कैरेज सिस्टम इन अफगानिस्तान, अ लीगेसी ऑफ इट्स पर्शियन कल्चरल मूरिंग्स, हैज सफर्ड एक्सटेंसिव डैमेज इन 43 इयर्स ऑफ वॉर and stares at an uncertain future under Taliban's second regime. But hundreds of miles to the south, a similar system in southern India is thriving. Yahi hai surangam ya surang, jo Kerala and southern Karnataka mein paya jata hai. Kasargod district mein 6,000 surangams hai. And what are these surangams? Ye dekhiye, this surangams are similar to kanats, which once existed in Mesopotamia and Babylon around 700 years before Common Era. Surangams are this is basically a tunnel dug through a laterite hill from the periphery of which water and moisture seeps out. Very. So this is a kind of rainwater harvesting, and this builds up moisture in the region. Agriculture drought areas mein karne ke liye sabse acha tarika. Ye ek tarah se water conservation ka principle istemal ho raha hai yahan pe, and iske karan you can see it, surangams resemble carries both in structure and spread. This system has been very effectively used for domestic and agriculture purpose in dry areas of northern Malabar. Very important. Traditional system, water conservation, rainwater harvesting. So it's a traditional cultural system, and one can write it. Ye ek skill hai, ek art hai. Carries tha Afghanistan mein, kanat tha मेसोपोटामिया में, और अब ये सुरंगम इन साउथ इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, 10 से 20 अगस्त का इतना ही न्यूज, काफी डाउन टू अर्थ से. अगला सेशन हम देखेंगे 21st टू 31st अगस्त 2021 के न्यूज डाउन टू अर्थ में जो पब्लिश हुए हैं एंड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स. दैट्स इट, टेक केयर. एंड यस, आई पोस्ट द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा. तो जरूर आइए IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ लेने के लिए. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक टू दिस वीडियो. एंड मैं बता दूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बायो रेमेडिएशन का जरूर पढ़कर जाइएगा इस बार के प्रीलिम्स के लिए. दैट्स इट. जय हिंद, टेक केयर. आई विल एंड द सेशन.